intellectual criticism in this session we are going to highlight some intellectual criticism on hobbes' philosophy that what type of views hobbes has shared regarding society regarding human life regarding state and what type of the criticism the uh, other philosophers they try to have on the philosophies of hobbes because hobbes फेस्ड इंटलेक्चुअल क्रिटिसिजम फ्राम वेरियस स्कूल ऑफ थाट्स लाइक फेमनिस्ट स्कूल ऑफ थाट एंड अदर लिबरल स्कूल ऑफ थाट्स बिकॉज दे क्रिटिसाइज द होब्स मॉडल ऑफ ह्यूमन नेचर उनका क्या ख्याल है जो वेरियस स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो हॉब्स ने ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन किया है कि इंसान बुनियादी तौर पर बहुत सेल्फिश है और उसकी जो बुनियादी ख्वाहिश होती है वो किसी तरीके से अपने इख्तियार अपने दायरा कार को वसू देना है तो अगर इंसान बुनियादी तौर तो पर सेल्फिश है तो उसके यहाँ जो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी है जो पॉजिटिव सेंस होनी चाहिए इंसानों में वो कमी है उसकी ये पर्सपेक्टिव जो है ये इंटेलेक्चुअल डिबेट का पार्ट है ख़ास तौर तो पर जो फेमिनिस्ट हैं जो लिबरल स्कूल ऑफ थाट्स वाले हैं वो हॉब्स के बारे में इन ख्याल का इजहार करते हैं और जहाँ कंपेयर किया जाता है हॉब्स की ह्यूमन नेचर की डिबेट को स्टेट ऑफ नेचर की डिबेट को वहाँ इस क्रिटिसिज्म का आम तौर पर हॉब्स की फिलॉसफी को सामना करना पड़ता है बिकॉज हॉब्स गिव्स टू मच पावर्स टू द गवर्नमेंट टू मेक लॉज अंडर द गायस ऑफ प्रोटेक्टिंग द पब्लिक अब जो एक और मेन क्रिटिसिज्म है वो किसके बारे में है वो ये है कि हॉब्स का ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होंगी और वो ऐसी लॉ मेकिंग करें जहाँ लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके तो फैमिली स्कूल ऑफ थॉट लिबरल पर्सपेक्टिव रखने वाले उनका ये ख्याल है कि अगर हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियार आ जाएंगे अगर हुकूमत को हर तरह का कानून बनाने का इख्तियार मिल जाएगा तो फिर इंसानों के पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगी लोगों के पास काम करने के मौाक़े कम होंगे और कोई भी हुकूमत जब चाहे किसी भी तरह का कानून पास करके अपने लोगों की जिंदगियों को तंग कर सकती है स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू हॉब्स गवर्नमेंट में यूज़ द क्लॉक ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू इनवोक द फियर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर टू वॉरेंट लॉज ट फॉर दैट आर इंसक्सिव अब हॉब्स का ही ख्याल है कि चूंकि लोगों ने स्टेट के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट जो है वो लोगों की जिंदगियों को रेगुलेट करेगी अब जब स्टेट के पास ये पावर होंगी कि वो लोगों की जिंदगियों को रेगुलेट करे तो फिर जो ह्यूमन फ्रीडम है उस पर क्वेश्चन आता है कि इंसानों के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ़ लाइफ है वो सब इंसानों की जो आज़ादियां हैं वो फिर कैसे जो ह्यूमन लाइफ पर लिमिटेशंस लगती चले जाएंगी तो ह्यूमन लिबर्टीज़ कहाँ कैसे एग्जिस्ट करेंगी सो वी कैन दैट फ्रॉम द टाइम दैट वी आर बॉर्न वी डू नॉट नोइंगली एग्री टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर फॉर डू नाट कंसेंट टू दान्ट्रैक्ट अब जो क्रिटिसिज़म है वो ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसको ये नहीं मालूम कि उसने किस माहे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो हॉब्स क्यों लोगों को पाबंद करता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी लिबर्टीज़ अपनी ख़्वाहिशात और अपने दायरा इख्तीयार को महदूद करने की पावर स्टेट को असाइन कर दें तो ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म है जो बहुत सारे सर्कल्स के अंदर इस पर डिबेट है ख़ास तौर पर जो हॉब्स के कुछ कॉन्सेप्ट जिनको वो सोवरेनिटी की डिबेट के अंडर लाता है फिर फ्रीडम ऑफ द लैंड के से रिलेटेड जो उसके ख्याल हैं ये सब वो पर्सपेक्टिव हैं जिन पर टाइम बाई टाइम उसके जो पैरल फ़िलासफीज़ लाने वाले हैं जैसे लॉक है जैसे रूसो है उन्होंने भी इस पर इतराज़ा किए कि हॉब्स ने इंसानी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी इन स्टेट उस सब को रद्द करके महज स्टेट की अथॉरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा क्योंकि हॉब्स का ये ख्याल है कि इंसान बुनियादी तौर पर खुद गर्ज है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंसान महज खुद गर्ज हो क्योंकि जब मिलकर इंसान रहेंगे तो वो खुद अपनी हदूद का तयन कर सकते हैं ना कि वो अपनी हर तरह की पावर को स्टेट अथॉरिटी को असाइन करते